आपने हजरत उमर से फरमाया, उमर तेरे जमाने में एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा अवैस, उसका कबीला होगा मुराद, उसकी शाख होगी कर्ण, उसका रंग होगा काला, कद होगा दरमियाना और एक सफेद निशान उसके जिस्म पर होगा। जब वो आए तो तुम उससे दुआ कराना, अली तू भी कराना, उमर तू भी कराना। और मैं कसम खा के कहता हूं कि उवैस जैसों से दुनिया भर जाए तो उमर और अली के एक बदन के बाल के बराबर नहीं। लेकिन इसके जरिए से एक पैगाम आगे पहुंचाना था। तो हजरत उमर और हजरत अली हैरान होकर देखने लगे कि हमें कहा जा रहा है कि अवैस से दुआ करवाएं, वो हम सहाबी वो ताबई। तो आपने फरमाया उसने मां की ऐसी खिदमत की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ वापस खाली मोड़ता ही नहीं। ये पैगाम पहुंचाना था कि मां बाप के आगे झुको। जिस देश में आप रहते हैं यहां काम की रफ्तार बहुत तेज है, मां बाप अगर मौजूद हैं तो कम ही कुछ नसीबों वाले हैं जिनको कुछ औलाद की खिदमत मिलती है, वरना दीवारों के साथ ही जिंदगी गुजर रही होती है। तो उमर रजी अल्लाह जब खलीफा बने तो हर साल हज करते थे, हर साल उनको ढूंढवाते। अब मुझे ये नहीं पता दरमियान के कोई साल होंगे कि एक साल आपने हज पर सारे हाजी इकट्ठे कर लिए, ऐसे अपने सामने का खड़े हो जाओ भाई, सब खड़े कर लिए, कहने लगे बैठ जाओ सारे यमन वाले खड़े रहो, तो सारे बैठ गए यमनी खड़े रहे, का सारे यमन वाले बैठ जाओ कबीला मुराद वाले खड़े रहो, तो सारे यमनी बैठ गए मुराद वाले खड़े रहे। इस साल मैं यमन गया जमात में तो अवैस करने के गांव गया, उनकी जगह पैदा हुए जो उनका कबीले के लोगों से मिला, उस इलाके से गुजरा, देखा कि अच्छा यहां वो हस्ती पैदा हुई थी। खुश्क पहाड़ हैं, बिल्कुल खुश्क पहाड़। फिर आपने कहा मुराद वाले बैठ जाओ कर्ण वाले खड़े रहो, तो सिर्फ एक आदमी बाकी बचा। तो आपने उससे पूछा तुम कर्णी हो? का जी हां। अवैस को जानते हो? कहीं जानता हूं, मेरा सगा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, लेकिन वो तो थोड़ा पागल सा है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? तो उमर रजी अल्लाह तआला रोने लगे, कहा वो नहीं तू पागल नजर आता है। फिर आपने पूछा किधर है, आया हुआ है हज में है? का जी है। किधर है? जो ऊंट चराने निकला था अरफात की तरफ। तो हजरत उमर ने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई और पहुंचे अरफात की तरफ। तो देखा तो एक आदमी एक कीकर के दरख्त के नीचे नफल पड़ रहा और ऊंट उसके चारों तरफ चर रहे। तो ये दोनों हजरत बैठ गए। तो उन्होंने अवैस ने महसूस किया कुछ आ गए लोग, तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मजदूर हूं। का तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कहा भाई हम सारे के बंदे हैं, मैं पूछ रहा हूं जो नाम तेरी मां ने तेरा रखा वो क्या है? तो वो कहने, वो तो पहचानता नहीं था कि उमर कौन है अली कौन है, वो तो पहली दफा हज पे था। वो कहने लगा तुम कौन हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? इंटरव्यू तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तुम कौन हो मेरा पूछने वाले? तो हजरत अली बोले ये अमीरुल मोमिनीन है उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। फिर वो ऐसे एकदम घबराए, दोनों को सलाम किया, मैं माजरत चाहता हूँ मैंने पहचाना नहीं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हाथ उठा, हाथ उठा। बर्मिंघम वालों को पैगाम पहुंचे कि माँ की खिदमत कैसे की जाती, कि उमर जैसा हाथ उठवा रहा है, अली जैसा, अली जैसा। तो वो कहने लगे मैं आपके लिए कैसे हाथ उठाऊं, मैं मेरी औकात है कि मैं आपके लिए दुआ करूं? कहा हमें हमारे नबी का हुक्म था कि अवैस आए तो उससे दुआ करवानी है, कि जब वो हाथ उठाता है तो वो हाथ खाली नहीं आते। किस वजह से? तहज्जुद, जिहाद, तबलीग, जिक्र, तिलावत, तस्बीह, हज, उमरे, नमाजें, रोजे, जिक्र, तिलावत, किस वजह से? नहीं, इनमें से एक वजह भी नहीं, माँ की खिदमत की वजह से। फिर एक और जगह आपने फरमाया कि लोग जब जन्नत में चलेंगे तो अवैस भी चलेगा, जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अवैस को रोक लो बाकी को जाने दो। तो अवैस घबरा जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह मुझे क्यों रोक लिया है,
तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ठहर जाओ, जाने दो इनको। हाँ भाई, अब ये सामने जहन्नम के लोग खड़े हुए हैं, तू शफात कर, तेरी तुफैल लाखों इंसानों को जन्नत में डालो, तुझे इसलिए रोका है कि तू शफात कर, जिधर तेरी उंगली उठती जाएगी उनके लिए जन्नत लिखती चली जाएगी, उनके लिए जन्नत लिखता चला जाऊंगा जिधर जिधर तो उंगली उठाए। सिर्फ पौंड ही सब कुछ नहीं, माएं भी बहुत कुछ है, सिर्फ पौंड ही सब कुछ नहीं है, बाप बहुत कुछ है।